पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही और खास तौर पर पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों के अनफिट होने की इत्तलात हैं, कई खिलाड़ियों के अचानक बीमार होने की इत्तलात है और खबरें ये भी हैं कि खिलाड़ियों को इवन हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आखिर हुआ क्या है, किसकी नजर खा गई है? पाकिस्तान के प्लेयर्स को खाने में कुछ ऐसा दिया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी जो हैं फील कर रहे हैं कि एक तो कमजोरी फील कर रहे हैं। 5 का जो टेस्ट है वो डेंगू वाला पॉजिटिव आ चुका है। इसके जो फैलने की एक रीजन है ना वो ये भी है कि जनाब जब आप सूर को खाते हैं सो क्या पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनके खाने में ये चीज इंक्लूड की गई? पेट दे के ना उतना खाओ, बिरयानिया खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो तो बीमार तो पड़ोगे ना। पर मुद्दा एंड पे डाल दिया सारा बीसीसीआई पे। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, सीने का इन्फेक्शन और डेंगू, सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स को हुआ है? पाकिस्तान टीम बॉयकॉट करेगी इस वर्ल्ड कप का, उनके फैंस ट्विटर पर सोशल मीडिया पर कवरेज नहीं देंगे, उनके जर्नलिस्ट जो हैं माइलेज नहीं देंगे इस वर्ल्ड कप को, तो वर्ल्ड कप बैठ जाएगा, बीसीसीआई का प्रॉफिट कम हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा उतना। उनको जनाब जानबूझकर या अनजाने में ये चीज खिलाई गई। पाकिस्तान टीम का मुझे बेड़ा गर्क होता नजर आ रहा है, ये चार आधी से ज्यादा टीम इस टाइम फारग है। कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको एंटीबायोटिक ड्रिप जो है वो दी गई, ट्रीटमेंट दी गई हॉस्पिटल ले जाके। अच्छा। इसका मतलब है कि रूटीन से ज्यादा उनकी तबीयत नासाज है। बीसीसीआई वाले जो है वो अब प्लेयर्स का उस तरह ख्याल नहीं रख रहे। ईसीबी अब एक्शन लेगा बीसीसीआई के अगेंस्ट। बीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब पाकिस्तान के हालातों को तो छोड़ दो, ये जो रिजर्व पे बैठे हैं ये किधर मुंह लगा रहे हैं जाके? जो भाई खाया ज्यादा है, पूरे पूरे बकरे निपटाए तो बुखार है, हालांकि जिसने ज्यादा निपटाया उसको नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे प्लेयरों को ठीक ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा है और बीसीसीआई हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खाने में कुछ मिलाकर दे दे रही है जिसके वजह से हमारे प्लेयर मार पड़ जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वालों की जिस तरह से भारत में इज्जत हुई हो रही है उसको इन पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए पाकिस्तान वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारे प्लेयरों को खराब खाना देकर इन्हें बीमार किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो 5 खिलाड़ी हैं वो अनफिट हो चुके हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो वायरल इंफेक्शन का शिकार हो चुके हैं और उस वायरल इंफेक्शन के पीछे जो रीजन सामने आई है वो बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके खाने में कोई चीज जो है वो ऐसी शामिल की गई जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बीमार हुए, उनको फीवर हुआ। एक रिसर्च पेपर है, फर्दर मोर द सीक्वेंसेस सजेस्ट दैट वायरसेस विद द सिमिलर जेनेटिक कंपोजिशन टू द 2009 पेंडेमिक वायरस हैज बीन सर्कुलेटिंग इन पिग्स इन सेंट्रल वेस्ट मैक्सिको फॉर मोर देन अ डेकेड। के 2009 में जब स्टडी की गई तो यह पता चला कि 10 साल पहले से जनाब जो पिग्स हैं, जो सूर है, उसके अंदर यह वायरस मौजूद था। और इसके जो फैलने की एक रीजन है ना वो ये भी है कि जनाब जब आप सूर को खाते हैं सो क्या पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनके खाने में यह चीज इंक्लूड की गई उनको बताए बगैर? क्योंकि बताया जाता तो कोई भी ना खाता, क्योंकि हराम है। एज अ मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि जनाब यह चीज हराम है। तो जनाब ये जो रिसर्च आर्टिकल है ना ये इंडिकेट कर रहा है उस जगह पाकिस्तान का जो बचा कुचा बचा कुना प्लेयर्स है, तो एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है क्योंकि छक्के मार रहे हैं सिर्फ छक्के। तो रोजगारी बची है भैया, आप अब शक्लें मत दबाइए, शक्लें मत छुपाइए। अच्छा बेंच पे बैठे हुए लोग वी वेलकम हार्ट। अच्छा फिर ये वहां असल में चेस्ट इन्फेक्शन फैला हुआ है, यानी कि तुम्हें बीमारियों वाली जगह पे तो नहीं बुलाया हुआ? अच्छा जो माहौल तुम्हें दिया होगा, ये जो जो रिजर्व पे बैठे हुए ये किधर मुंह लगा रहे हैं जाके? जो भाई खाया ज्यादा है, पूरे पूरे बकरे निपटाए तो बुखार है, हालांकि जिसने ज्यादा निपटाया उसको नहीं आया, चाचू को नहीं आया। वो चाचू की तो फैन भी निकली है इतनी सारी, अब बाहर डाली थी फेसबुक। पहले तुम नसीम को रोते रहे, ठीक है, वो तुम्हें ना मिला, वो तुमने इंजर्ड कर दिया। अब जो तुम लेके गए उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो हमें तो यकीन था कि किसी को पांव का क्रैम्प आएगा। अब मैं ये बता दूं, ये आईसीयू से निकल के खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनकी ये वाली खबरें मत चलाओ खुदा के लिए। हमारा रिजवान तो यार आईसीयू से डायरेक्ट आके सेमीफाइनल खेला था, 100 मार के मैं ही हरवाऊंगा। मैच विनिंग श्रीलंका के खिलाफ क्रैम्प में आदमी हिल नहीं सकता, मगर वो लोहा लाट है भाई। खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो तो बीमार तो पड़ोगे ना। पर मुद्दा एंड पे डाल दिया सारा बीसीसीआई पे, मुद्दा एंड पे डाल दिया जी। अहमदाबाद में हमें अच्छी तरह फूड नहीं दिया गया, इंडिया वाले अब हमारा ख्याल नहीं रख रहे, अहमदाबाद वाले मैच के बाद ये करे हुए। ओ भाई अपने आप को ठीक करोगे तो फिर चीजें बेहतर होंगी, अदरवाइज चीजें बेहतर नहीं होंगी। कितनी कैरलीज अंदर लेके जानी है और कितनी आपने जो है वो जिम करनी है। भाई पिछले 2 हफ्तों से तो आप खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, बिरयानियां ये वो आपके मेहमानबाजी कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप क्रिकेटर हो, उधर कोई भाई जान आप फूड कंपटीशन में नहीं गए हो, रोटी खाओ, रोटी खाओ, रोटी खाओ,
तो फिर जब आप रोटी खाओगे तो फिर बीमार तो पड़ोगे ना, पर मुद्दा एंड पे डालोगे सारा इंडिया पे, मुद्दा डालोगे बीसीसीआई पे। मतलब उन्होंने आपको जबरदस्ती बोला कि नहीं ये रोटी खाओ, ये खाना खाओ, ये खाओ, ये खाओ। भाई बिरयानी ज्यादा खाई जाए ना तो फिर आप खा तो लेते हो, फिर वो मसला बाद में करती है अंदर जाके। जब भी किसी भी चीज को जब आप ज्यादा करते हो, खाना आप ज्यादा जब पेट भर के खा लेते हो तो बदहजमी हो जाती है बंदे को। ये चेस्ट इन्फेक्शन क्यों होते हैं ज्यादा ये नमकीन चीजें खाने से? पाकिस्तान की टीम पर बीमारियों ने हमला किया जी, और एक नहीं दो नहीं पाकिस्तान के कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस वक्त वायरल फ्लू का शिकार हैं। अरे शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो भारत के खिलाफ बुखार में मैच खेले थे, और उस वक्त आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर भी किया था, और फिर शाहिद अफरीदी ने भी यही बताया कि जी वो फिट नहीं थे पूरी तरह, बुखार में थे, ठीक नहीं थे, इस वजह से वो अपना 100% नहीं दे सके। और हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई अगर वो फिट नहीं थे तो उनकी जगह फिर मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाना था ना, जिसको आप इतने अरसे से अपने साथ लिए फिर रहे हैं और अपनी टीम का आपने बहुत बड़ा प्लेयर बनाया हुआ, तो फिर उसको मौका देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप ऑब्वियसली आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपने जो पीछे प्लेयर्स रखे हुए हैं वो जस्ट जिसको हम कहते हैं ना कि फॉर द सेक ऑफ रिप्लेसमेंट है, वो प्लेयर्स नहीं है कि जिनके ऊपर आप बड़े मैचेस में रिलाई कर सके, अनटिल और अनलेस के बिल्कुल ही आपका प्लेयर जो है वो जिसको आप कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ जाए, अदरवाइज आप अपने मेन प्लेयर्स को रिस्क देने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बीसीसीआई वाले जो है वो अब प्लेयर्स का उस तरह ख्याल नहीं रख रहे, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स बीमार पड़ रहे हैं। फखर जमान को नी इंजरी है, अब्दुल्ला शफीक और उसामा मीर जमान अली इनको चेस्ट इन्फेक्शन है, शहीन शाह अफरीदी को बुखार है, उसने चेहरे पर मास्क भी पहना हुआ है, ये लोग ट्रेनिंग सेशन जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं अपने। और आज भी जो ट्रेनिंग सेशन था पहले वो सुबह कैंसिल करवाया गया, फिर आधे घंटे पौने घंटे बाद दोबारा पता चला कि जी ट्रेनिंग सेशन अब रात को होगा पाकिस्तानी टीम का। पाकिस्तानी टीम एक किस्म का आपको मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो मतलब डिस्ट्रॉय कर दी गई है, हिलजुल हो गई अंदर। जिस तरह इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को एशिया कप में, फिर श्रीलंका को हारे थे, एक किस्म की वो टीम बिखर गई थी, उससे बुरी बिखरी है। अब प्लेयर बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, मुझे नहीं पता। और बता शदाब खान के बच्चे आके के बिरयानियां खा रहे हैं, इनको बिरयानियां दो ना। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो इन्फेक्शन हो रहे हैं सीने का इन्फेक्शन और डेंगू, सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स को हुआ है? इससे पहले शुभन गिल गो के सूरत हाल से दो चार थे, लेकिन वो सिर्फ एक खिलाड़ी थे जिनको करंतना भी किया गया, बुखार भी उनको ज्यादा था। लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी उसामा मीर गुज़श्ता 5 दिन से इस सूरत हाल से दो चार रहे हैं, उन्हें करंतना किया गया था, उनका डेंगू जो टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आया था, सीने का इन्फेक्शन भी था और सख्त बुखार में मुबतला थे, कमजोरी हो गई थी उन्हें, और अब वो रिकवर कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगले मैच के लिए उसामा मीर तो दस्तयाब हो सकेंगे, और फखर जमान की इंजरी के हवाले से भी अपडेट आई है कि वो खेल सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान के 4 से 5 टॉप प्लेयर्स जिनमें शाहीन अफरीदी भी शामिल हैं, उन्हें सीने का इन्फेक्शन है, डेंगू हुआ है उनको और सख्त बुखार में मुबतला हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो प्रैक्टिस सेशन होना था बेंगलोर में वो कैंसिल कर दिया गया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि बीसीसीआई हमारे प्लेयरों के साथ नाइंसाफी कर रही है, इस वजह से हमारे प्लेयर बीमार पड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले की जितनी ज़्यादा इज्जत कर लो इन पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती है। वहीं एक बार फिर से रोना रो रहे हैं कि हमारे खाने में कुछ मिलाकर बीसीसीआई दे दे रही है, जिसके वजह से हमारे प्लेयरों को फीवर हो रहा है और डेंगू जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया यहां तक दावा कर रही है कि बीसीसीआई सुअर का मांस हमारे मतलब खिलाड़ियों को दे रही है, जिसके वजह से हमारे मतलब प्लेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। वहीं आपको ये बता दें कि साइंस अफरीदी, हारिस राउफ और बड़े बड़े खिलाड़ी जो पाकिस्तान के हैं, उन मतलब पाकिस्तान की लगभग आधी टीम बीमार हो गई है। वहीं परसों इन लोगों का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिस वजह से इन पाकिस्तान वाले पहले से ही डरे हुए हैं। इस वजह से ये पाकिस्तान वाले किसी वजह से बहाना बना रहे हैं कि हम उस मुकाबले में अगर हार जाते हैं तो हम इस चीज का जिम्मेदार ठहरा देंगे कि बीसीसीआई हमें खाना ठीक ढंग से नहीं दे रही थी, जिसके वजह से हम बीमार हो गए थे और अच्छे से खेल नहीं पाए थे। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया यहां तक दावा कर रही है कि जो साइंस अफरीदी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में खेला था वो बीमार में था तब भी खेला था, इस वजह से वो अच्छा बॉलिंग नहीं करा पाया था, जिसके वजह से हम हार गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक्सक्यूज के अलावा कुछ नहीं दे सकते, और एक्सक्यूज देना इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, इसलिए पाकिस्तान वाले अपने परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं देख रहे हैं कि हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, किस वजह से हम हारे। इनको ये आरोप लगाना है कि हम इसी
बीसीसीआई हमें ठीक ढंग से खाना नहीं दे रही है। वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों को भारत में इज्जत हो रही है, वैसा किन किसी भी खिलाड़ियों के साथ और किसी भी क्रिकेट टीम के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को मतलब इतनी ज़्यादा इज्जत इन पाकिस्तानियों को हजम भी नहीं हो रही है, इसलिए भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ये पाकिस्तानी मीडिया इतनी जाहिल और गंवार है कि मतलब बिना समझे मतलब कुछ बोले मतलब सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर देते हैं कि हमारे प्लेयरों को बीसीसीआई कुछ कर रही है, इसी वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले पर पाकिस्तानी मीडिया किस हद तक गिर सकती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।